अपने ही दोस्त की पत्नी से छेड़छाड़ करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया, क्योंकि पति इस सब को सहन नहीं कर पाया और उसने दोस्त की जान ले ली। इस पूरे मामले का खुलासा सिंगरौली पुलिस ने कर दिया है। नवानगर थाना क्षेत्र में बीते सप्ताह एक लावारिस हालत में लाश मिली थी। हत्या के इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि मृतक राम लल्लू व उसका परिचित दोस्त लंबू एक साथ शराब पी रहे थे। इसी बीच मृतक राम लल्लू ने लंबू की पत्नी से छेड़छाड़ और ज्यादती करने का प्रयास किया था। यह देखकर लंबू ने राम लल्लू के गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी, जिस कारण उसकी गर्दन थड़ से अलग हो गई। घटना के बाद लंबू व उसकी पत्नी ने मृतक के शव को जंगल में फेंक दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस अंधे कत्ल की वारदात को सुलझा लिया है। होटल में काम करने वाला व्यक्ति है, इसका नाम राणा उर्फ राम लल्लू है। बाद में पुलिस ने पता किया तो शनिवार की रात में ये किसी लंबू नाम के लड़के के साथ घूम रहा था, शराब पी रहा था। उसी के बाद से इसका पता नहीं था। जिसकी तलाश करने पर लंबू की पत्नी मिली, दस्तयाब हुई, उसने पूछताछ पर घटना स्वीकार किया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।